आज जनपद जालौन के उरई नगर में 108 102 एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं को समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो आगामी 2 नवंबर से एम्बुलेंस सेवा के चक्के जाम कर दिए जाएंगे। फिलहाल संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के उरई नगर क्षेत्र में जिला अस्पताल में 102 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं इस संबंध में 102 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी संघ के बुंदेलखंड प्रभारी ने बताया कि पूर्व में सरकार और एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के बीच हुई बातचीत में कहा गया था कि 2 माह के भीतर एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं के वेतन विसंगत के मामलों पर निष्पादन कर दिया जाएगा। फिलहाल 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई पुराना हाल नहीं दिखाई दिया तो 15 अक्टूबर को श्रम आयुक्त कोर्ट में सरकार और एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी से जवाब मांगा गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को श्रम आयुक्त कोर्ट में ना हो तो सरकार और न ही एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा। इसलिए आज इन लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है। एक सौ आठ 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। मैं 108 102 में कार्यरत हूँ और हमारा कहना ये है कि हमारी कंपनी की और सरकार की एक बैठक हुई थी जिसमें हाल ही में ये बताया गया था कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वेतन को लेकर और ग्रेजुटी को लेकर किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं थी उसमें कि आपका जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर अंदर समाधान कर दिया जाएगा, जिसमें हाल ही में 10 तारीख को 2 महीने हमारे पूरे हो गए हैं और अभी तक 15 तारीख जो हमारी लगाई गई थी कोर्ट के द्वारा, लेबर कोर्ट के द्वारा, जिसमें श्रमायुक्त जी की अध्यक्षता में ये कहा गया था कि जल्द से जल्द अभी ये समस्या समाधान हो जाएगा। 15 तारीख को जब तारीख लगी तो ना ही कंपनी की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई पहुंचा, जिसमें हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा बैठक हुई जिसमें मौजूद रहे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और समस्त प्रदेश कमेटी के प्रदेश सदस्य मौजूद रहे, जिनमें उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय ये निकल करके आया है कि आने वाले 2 तारीख को अगर हमारी समस्या